करने वाली हूँ हलवाई जैसे खमन। जब भी हम खमन घर पर बनाते हैं तो उसमें बाहर जैसी झाली नहीं पड़ती है, और अगर आप तड़का लगाते हैं तो वो तड़का भी अच्छी तरह से उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो आज मैं आपको वो सारे ट्रिक बताने वाली हूँ और उसका इतना परफेक्ट मेजरमेंट बताने वाली हूँ कि अगर आप ये खमन पहली बार ट्राई करेंगे तब भी आपके खमन बाहर जैसे बहुत ही सॉफ्टी बनेंगे, उसके अंदर बहुत ही बढ़िया झाली पड़ेगी, और तड़का भी आपको किस तरह से लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि जिससे आपके जो खमन है वो बहुत ही अंदर से जूस से भरे बने। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी में। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। जब भी आपको खमन बनाना हो तो आप इस तरह से सारी चीजें तैयार करके रख दें। तो यहाँ पर मैंने 250 ml का मेजरिंग कप लिया है और उस कप के नाप से मैंने 1.25 कप के करीब बेसन लिया है, और 1.5 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने चीनी ली है, 3/4 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने नमक लिया है, 1/4 टीस्पून से भी कम यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने नींबू के फूल साइट्रिक एसिड लिया है, 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने खाने का सोडा लिया है, और 2 टेबलस्पून हमें यहाँ पर तेल लेना है। अक्सर जब भी हम खमन घर पर बनाते हैं तो उसके अंदर बैटर में तेल नहीं डालते हैं, लेकिन अगर इस तरह से आप तेल डालकर ये खमन बनाएंगे तो आपके खमन बहुत ही बढ़िया टेक्सचर वाले बनेंगे। अब बैटर बनाने के लिए इस तरह का हाइट वाला कोई भी पतीला आप ले लें या फिर बड़ा सा बाउल भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले उसके अंदर डालेंगे हम सिट्रिक एसिड, जिसे नींबू के फूल भी बोलते हैं, चीनी डाल देंगे, नमक डाल देंगे, हल्दी पाउडर मिला देंगे। अगर आप सारा मेजरमेंट इस तरह से परफेक्ट लेते हैं तो आपके जो खमन है वो बहुत ही जालीदार बनने वाले हैं। अब यहाँ पर मैं 1 कप पानी ले रही हूँ, उसमें से मैंने 1/4 कप के करीब पानी अभी बचा लिया है। पहले हम चीनी और जो सिट्रिक एसिड है उसको अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। इससे पहले हम इसके अंदर बेसन नहीं डालेंगे। सबसे पहले आपको जब भी खमन बनाना है तो इस तरह से सारी चीजें पहले ही साइड में रख देनी है, फिर एक बड़ा सा पतीला लेना है यानी हाइट वाला, और उसमें चीनी और सिट्रिक एसिड को अच्छी तरह से मेल्ट करना है। जब ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तब इसके अंदर हम बेसन डालेंगे, और बेसन भी हम छान कर डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1.25 कप के करीब बेसन लिया है, और अगर आप पैकेट का जो तैयार बेसन आता है उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है। तो अगर आपको परफेक्ट रिजल्ट चाहिए तो आप तैयार बेसन का ही इस्तेमाल करें, और जब भी आप इस्तेमाल में ले उसी समय पर आप उसे छान कर डालें। इससे क्या होगा कि हमारा जो बेसन है उसके अंदर हवा भरेगी यानी कि एरिएशन होगा, और हमारे जो खमन है वो बहुत परफेक्ट बनेंगे। वैसे तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलता है, और हमें लगता है कि हमने तो सारा मेजरमेंट सही लिया है फिर भी हमारे खमन इतने अच्छे क्यों नहीं बन रहे हैं। तो ये सारी जो छोटी छोटी बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। आज मैं आपको पानी का भी बहुत ही परफेक्ट मेजरमेंट बताने वाली हूँ, ताकि अगर आप नए हैं यानी कि आपने नया नया कुकिंग स्टार्ट किया है तब भी आप बहुत आसानी से ये घर पे बना सकते हैं। तो मैंने अभी विस्कर से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और हो सके तो विस्कर का ही इस्तेमाल करें ताकि बिल्कुल भी लम्स हमारे बैटर के अंदर ना आए। तो इस तरह का बैटर हमारा बनके अभी तैयार हो चुका है। अब उसके अंदर हम डाल देंगे तेल। अक्सर लोग तेल नहीं डालते हैं, लेकिन तेल डालने से आपकी जो खमन है वो बहुत ही परफेक्ट बनेंगे, और अगर आप इसे ठंडा होने के बाद यानी कि 2 से 3 या 4 घंटे के बाद भी अगर खाएंगे ना तो आपको वो बहुत ही स्पॉन्जी लगेंगे, यानी कि बिल्कुल ड्राई नहीं लगने वाले हैं आपको ये। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी और मिलाएंगे, मिक्स करेंगे। ये बैटर बनाकर हमें इसे 5 से 10 मिनट का ही सिर्फ रेस्ट देना है। ये खमन बनने में ज्यादा समय नहीं लगता है। अगर आपके घर में अचानक से गेस्ट आने वाले हैं तो आप फटाफट से घर में ही रखे हुए सामान से बाहर जैसे खमन बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बैटर अभी तैयार हो चुका है, तो इसे हम 5 से 10 मिनट का रेस्ट दे देते हैं। मैं आपको कंसिस्टेंसी बता देती हूँ, तो इस तरह की कंसिस्टेंसी आपको रखनी है, और ध्यान रहे कि बिल्कुल भी लम्स इसके अंदर नहीं रहने चाहिए। अब यहाँ पर आपके पास जो सबसे बड़ा वाला गैस का बर्नर है उसका इस्तेमाल करेंगे, और फ्लेम को आप ऐसे ही हाई रखेंगे, ठीक है। जब इस तरह से आप पूरी प्रिपरेशन कर ले और आपका बैटर भी 10 मिनट के बाद तैयार हो जाए, तब हम क्या करेंगे
कि एक ऐसा मोल्ड लेंगे और वो भी हाइट वाला होना चाहिए। मोल्ड नहीं है तो आप कोई भी थाली ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी हाइट वाली होनी चाहिए ताकि जब भी हम खमन डालें तो उसको फूलने के लिए जगह मिले। तेल को अच्छी तरह से हमें घिस के लेना है ताकि आसानी से इसे हम अनमोल्ड कर पाए। तो मैंने अभी इसके अंदर तेल लगा दिया है और चारों ओर मतलब कि किनारों की साइड पर भी मैंने तेल से उसे ग्रीस कर लिया है। जब हमारा मोल्ड इस तरह से बनके तैयार हो जाएगा तब इसके अंदर हम डालने वाले हैं खाने का सोडा जो हमने रखा था 1 टीस्पून। तो सोडा डालने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसे अच्छी तरह से एक्टिवेट करेंगे और मिक्स करेंगे। जैसे जैसे सोडा इसके अंदर मिक्स होता जाएगा आपका जो बैटर है वो फूलता जाएगा, उसका जो कलर है वो भी लाइट होता जाएगा और आपको चलाने में बहुत ही हल्का लगेगा। आप देख सकते हैं कि हमारा बैटर कितना फूल के ऊपर आ गया है। अच्छी तरह से सोडा हमें मिक्स कर लेना है और तुरंत ही फिर जो मोल्ड हमने तैयार किया है उसमें हमें इसे पलट देना है। लेकिन साइड में मैंने पानी को उबालने के लिए रख दिया है, तो पानी पहले आपका अच्छी तरह से उबल जाना चाहिए, उसके बाद में ही आपको सोडा इसके अंदर डालना है। तो सोडा भी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, उसे हम मोल्ड के अंदर पलट देते हैं। यहाँ पर मैं जो क्वांटिटी बता रही हूँ उसमें से आप 2 से 3 लोगों के लिए ये खमन बनाकर तैयार कर सकते हो। अब इसे एक बार हम टैप कर लेंगे। देखिए पानी आपका इस तरह से उबल जाना चाहिए तभी आप बैटर के अंदर सोडा डालेंगे। एक स्टैंड के ऊपर मैं इसे रख देती हूँ। गैस की फ्लेम को फास्ट रखना है और उसे ढककर 20 मिनट तक हमें पकाना है। बीच में आपको इसको बिल्कुल भी खोलना नहीं है। जितना इसको भाप मिलेगा अच्छा उतना ही बढ़िया आपका खमन तैयार होगा। तो 20 मिनट अभी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कि बैटर ने किनारे भी छोड़ दिए हैं। वैसे आपको देख के ही पता चल जाता है लेकिन पता नहीं चलता है आपको, तो आप इसे चाकू से भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए चाकू भी एकदम क्लीन आ रहा है, तो हमारा खमन बन के तैयार है। इसे हम साइड में रखेंगे, ठंडा होने देंगे 10 मिनट के लिए और फिर उसके बाद किनारों से उसे छुड़ा लेंगे। वैसे तो ये निकल ही आया है लेकिन एक बार चाकू को इस तरह से हम घुमा लेंगे। 10 मिनट के बाद ही आपको ये करना है। अगर आप पहले ही इसे करेंगे गरम गरम में तो आपका खमन टूट जाएगा। अब हम एक थाली लेंगे और उसमें इसे पलट देंगे। ऊपर से इसे थोड़ा सा टैप करेंगे तो बहुत आसानी से निकल आएगा। आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया जाली इसके अंदर पड़ी हुई है। इसे हम 5 मिनट और रहने देते हैं। मैं आपको नजदीक से बता रही हूँ, आप देखिए इसका जो लुक है वो कितना परफेक्ट बना है। अब जो नीचे की साइड थी उसको हम ऊपर रखेंगे क्योंकि इसके अंदर बहुत ही बढ़िया जाली है। तो हम जो तड़का लगाने वाले हैं वो इसके ऊपर ही डालेंगे ताकि अंदर तक सारा जो हमारा तड़का है वो चला जाए और हमारे जो खमन है वो बहुत ही जूसी बने। तो मैं इसे चौकोर टुकड़ों में कट कर रही हूँ, आप अपने मन चाहे आकार में इसे कट कर सकते हैं। मैं अभी आपको एक पीस निकाल कर बता रही हूँ, तो देखना कि कितनी बढ़िया जाली आई है और इसका जो टेक्सचर है वो इतना परफेक्ट है। जैसे ही आप इसे दबाएंगे तो प्रेस होने के बाद वो अपने आप अपनी जो ओरिजिनल शेप है उसमें आ जाएगा। देखिए आप प्रेस करेंगे और छोड़ देंगे तो अपने आप ये ऊपर तक आ जाएगा, यानी इसके अंदर बहुत ही बढ़िया हवा भरी हुई है और जाली बहुत ही बढ़िया बनी है। खमन में इस तरह की जाली होती है तभी जो सारा जूस हम मतलब कि तड़का डालते हैं वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो तड़के के लिए यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब उसके अंदर डालेंगे 2 बड़े चम्मच छोटी वाली राई और डालेंगे 1 चम्मच हींग, कटी हुई हरी मिर्च और थोड़ा सा मैंने करी पत्ता डाला है। अब उसके अंदर डालेंगे हम 3/4 कप पानी। चीनी डाल देंगे 2 चम्मच। चीनी हमने वैसे बैटर में भी डाली थी तो ज्यादा चीनी नहीं डालेंगे और अच्छी तरह से चीनी को मेल्ट होने देंगे। अब ये जो तड़का तैयार है उसे हम इस तरह से चम्मच से उसके ऊपर फैलाते जाएंगे। एक साथ पूरा तड़का नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि वो अच्छी तरह से उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और जाली पड़ी हुई है उसमें सारा ये जो तड़का है वो मिक्स हो जाए। तभी तो हमारे खमन बहुत ही जूसी बनेंगे जैसे हम बाहर हलवाई से लाते हैं। तो बीज मैं सारा तड़का इसके अंदर डाल देती हूँ। तो तड़के के लिए मैंने 3/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है, बैटर के लिए मैंने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया था। तड़का लगाने के बाद इसे हम 5 से 7 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि सारा जो तड़का है वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। आप देख सकते हैं कि सारा तड़का अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो गया है। अब थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे तो हमारा खमन बहुत ही बढ़िया बन के अभी तैयार हो चुका है। मैं अभी आपको
तड़का डालने के बाद उसका जो टेक्सचर है वो बताती हूँ, और बताती हूँ कि उसके अंदर कितनी अच्छी मात्रा में हमने जो तड़का डाला था वो एब्जॉर्ब हो गया है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया जाली तो आई गई है इसके अंदर। अब ऐसे आप इसे दबाएंगे तो कितना बढ़िया उसके अंदर से जो तड़का का जूस है वो निकल रहा है। तो ये रेसिपी तो एक बार बनानी जरूर बनती है दोस्तों, इसे बनाएं। कैसी लगी रेसिपी कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। तो फिर से मिलेंगे दोस्तों ऐसी एक और नई मजेदार रेसिपी के साथ।